चैनल वर्ल्ड वाइड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज सैटरडे एस्ट्रोलॉजी सीरीज का दिन है और हमारे साथ गुरुजी भी आ चुके हैं, तो गुरुजी आपका स्वागत है हमारे एस्ट्रोलॉजी शो के कार्यक्रम में। और आज नवरात्रि का पहला दिन भी है, तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे दर्शकों को। और एस्ट्रोलॉजी सीरीज में जो है हमारे साथ किरण ठक्कर जी, जिनको बाबा के नाम से जानते हैं और वेल नोन एस्ट्रोलॉजर है सूरत के। और जैसे कि दो एपिसोड हमारे हुए थे, एक रत्न के बारे में हुआ था और एक पूरे जो एस्ट्रोलॉजी में जो ग्रह होते हैं उसके बारे में हमारे दो एपिसोड गए। और वापस हम आ गए हैं जन्म कुंडली पे, मतलब कि जन्माक्षर पे आ गए हैं वापस हम। और आज से हम वापस शुरू कर रहे हैं लाइव जन्माक्षर प्रिडिक्शन करना, मतलब गुरुजी आज लाइव जन्माक्षर देखेंगे और जिनको भी जो भी प्रॉब्लम है उनकी सॉल्यूशन देंगे। और जिनके प्रश्न आए हैं आज उनके बारे में गुरुजी आज बताएंगे। आज थोड़े से लिए हैं क्योंकि बहुत टाइम से सब पेंडिंग हो रहे थे, तो आज गुरुजी थोड़े से प्रश्न लेंगे क्योंकि दिवाली भी बहुत नज़दीक आ रही है, तो थोड़ा सा हमें दिवाली में भी लोगों के पास ज़्यादा पैसा कैसे आएगा वो हम बताएंगे आज। तो गुरुजी आप कुछ हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे? नमस्कार, जय गणेश, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना। माँ भगवती की कृपा आप सब पे बनी रहे, यही आपसे प्रार्थना। आज माँ भगवती के 9 दिन की आराधना का पहला दिन है। माँ शैलपुत्री की आप आराधना कर सकते हैं इस दिन। 9 दिन की आराधना में क्या होता है कि माता का जन्म से लेके माता विजयादशमी पे जो असुरों का संहार करती है, वो जो संहार करने के बाद में वहाँ पे उनका परिपूर्ण होता है, तो वो जो 9 दिन हर एक दिन में हर एक क्रिया का एक अलग सा उनका महत्व रहता है और हर एक क्रिया को एक अलग नाम से पहचाना गया है और उसका महत्व के अनुसार उसकी पूजन विधि रहती है। जैसे शैलपुत्री मतलब हिमालय राजा के वहाँ उनका जन्म हुआ, वो पहला दिन उनका रहता है और इसीलिए शैलपुत्री के नाम से पहले ही उनकी पूजा किया, पहला दिन की पूजा उनकी की जाती है। तो ऐसे ही आप माँ भगवती आपके ऊपर कृपा करें और आपका जीवन सुखी और समृद्ध बनाए जी। तो फिर से सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम अभी शुरू करते हैं। जिनके भी प्रश्न आए हैं हम लाइव यहाँ से उनके बारे में बताएंगे, उनके भविष्य के बारे में बताएंगे। और जिनको भी उनके भविष्य के बारे में जानना है, उनके जॉब के लिए जानना है, उनको कोई अगर प्रॉब्लम है लाइफ में तो उनके लिए जानना है, तो ज़रूर हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है 9227645700 उस पर आप मैसेज करके आपकी डिटेल भेज सकते हैं। डिटेल में आपको भेजना है आपका नाम, आपका बर्थ डेट, आपका बर्थ प्लेस एंड आपका बर्थ समय। अगर इन में से कोई एक चीज़ भी अगर आप नहीं लिखते हैं तो हम आपका प्रश्न नहीं ले सकते हैं। तो ज़रूर से जो मैंने बताया है उसी तरह से आप आपका डिटेल भेजिए। हमारे ये जो लाइव कार्यक्रम हो रहा है उसके अंदर भी कमेंट बॉक्स में भी आप आपका प्रश्न लिखना है या तो आपकी डिटेल भेजनी है तो आप भेज सकते हैं। और हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे आप लाइव में नहीं देख सकते हैं तो बाद में आप यूट्यूब चैनल पे भी ये शो देख सकते हैं। तो गुरुजी शुरू करते हैं हम। पहले भावेश नाथवानी जी ने उनका भेजा है, बर्थ डेट है 26 अगस्त 74। उनका बर्थ टाइम जो है दोपहर को 12:40 है जी। और उनका बर्थ प्लेस है मुंबई कांदिवली से। उनका निजी एक प्रश्न है कि उन्होंने लिखा है कि हस्बैंड वाइफ की बनती नहीं है, तो वो क्यों नहीं हो रहा है ऐसा और क्या प्रॉब्लम है वो बताइए। उनका वृश्चिक लग्न आ रहा है और वृश्चिक लग्न का मालिक 10वें स्थान में और सर पे राहु और चंद्र पड़ा हुआ, चंद्र नीच राशि का है राहु के साथ में,
मानसिक अवस्था डिस्टर्ब करता है और विवरिंग माइंड देता है, स्टेबल डिसीजन लेने की क्षमता उनकी खत्म कर रहा है और नेगेटिव सोच बहुत दे रहा है। वृश्चिक का राहु सर पे जब भी बैठता है असंतोष रहता है, हर एक चीज में असंतोष रहता है, तो ये इनकी एक प्रॉब्लम है, कोई भी बात में उनको असंतोष रहेगा। और सातवें स्थान पे राहु की दृष्टि है, वो राहु उनको लग्न जीवन में प्रॉब्लम करता है जी। ये दिख रहा है उनकी कुंडली में। तो उनके लिए कुछ सॉल्यूशन, इनके लिए एक ही है, गणपति आराधना और गणपति मंत्र पर खास ध्यान देवे, ये इनके लिए बहुत ही बढ़िया फल रहेगा। और रोज सुबह दूध पानी काले तिल और कमल गट्टा ये मिक्स करके शिवलिंग पे अभिषेक करें, जिससे जीवन में और मन को शांति मिले जी। तो भावेश जी, आपने सुना होगा, आपको जो गुरुजी ने बताया उसी तरह से आप फॉलो कीजिएगा। दूसरे जो है राजकुमार माली जी, उनका बर्थ डेट है 22 नवंबर 91। हाँ जी, और उनका जन्म समय है दोपहर को 2:15। हाँ, बर्थ प्लेस, उनका बर्थ प्लेस है भीलवाड़ा राजस्थान। बाईस ग्यारह 1991 दोपहर को 2:15 भीलवाड़ा, ठीक है जी। इनका मीन लग्न की कुंडली है और चंद्र से चंद्र अभी छठे स्थान में जा रहा है जी। गोचर का चंद्र छठे स्थान में आ जा रहा है, जो भी काम करते हैं उसमें फंस जाते हैं, मतलब उसकी जो काम करने के बाद में जो उनको लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल रहा है, वही उनका एक दिमाग में चल रहा है। काम करने के बावजूद भी जो प्रगति होनी चाहिए, जो फायदा होना चाहिए, वो उनका नहीं हो रहा है, ये खास उनके लिए। और खुद की प्रगति और खुद के कुछ काम रुके हुए हैं, इनके लिए उनका खुद प्रश्न दिख रहा है जी। उन्होंने प्रश्न भी भेजा है गुरुजी, उन्होंने लिखा है कि बिजनेस या जॉब करे या गवर्नमेंट जॉब सही रहेगा या प्राइवेट जॉब सही रहेगा। और दूसरा प्रश्न उनका ये भी है कि बिजनेस अगर करना है तो कौन सा करे, फाइनेंशियल फ्यूचर उनका कैसा रहेगा, और अभी फिलहाल वो प्रॉपर्टी के बिजनेस उनका चल रहा है, तो ये उनके प्रश्न है। बिजनेस उनके लिए सही नहीं है, प्रॉपर्टी का डीलिंग कर सकते हैं, मतलब ब्रोकरेज का काम कर सकते हैं, खुद इन्वेस्टमेंट करके कोई भी काम ना करे, क्योंकि पैसे फंसने की 100% उनकी गारंटी है जो उनके ग्रह बता रहे हैं। तो मेहरबानी करके आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करके कोई भी बिजनेस ना करें। हाँ, ब्रोकरेज का बिजनेस कर सकते हैं, वो आपके लिए बेटर रहेगा। माली जी, आपने जो गुरु जी ने बताया उसी तरह से कीजिए। अगर ज़्यादा आपको जानना है तो गुरु जी से आप संपर्क कर सकते हैं हमारे द्वारा। और अभी आगे चलते हैं तो श्रावणी दिलीप मिस्त्री जो है वो, उनका बर्थ डेट है 4 अगस्त 1997 और बर्थ समय उनका है 6:40 सुबह शाम। हाँ, सुबह मॉर्निंग। एंड उनका एजुकेशन, उन्होंने बहुत सारे प्रश्न भेज दिए है एजुकेशन के लिए, परदेश योग है या नहीं है, शादी कब होगी, मानसिक स्थिरता उनकी कैसी रहेगी, कैरियर कैसा रहेगा, उनको हेल्थ एंड वेल्थ कैसी रहेगी, यस कैसा मिलेगा, इतने सारे प्रश्न उन्होंने पूछे हैं जी। सबसे पहले उनकी कर्क लग्न कुंडली आ रही है और कर्क लग्न कुंडली का मालिक चंद्र बलि होके बैठा है सूर्य के साथ में। एक, उनके गुस्सा बहुत है उनके अंदर। दूसरा, बुध के नक्षत्र में है, वो नेगेटिव सोच ले रहा है क्योंकि वो राहु के साथ में बैठा है। तीसरा, मंगल उनका वीक है जो कन्या राशि में बैठा है, उनके शरीर में आलस बहुत दे रहा है। वो आलस मतलब शरीर में हीमोग्लोबिन आलस ये काफी है, जिसके कारण उनके काम करने की क्षमता उसको कम कर रहा है और हड्डियों में कैल्शियम कम होने के कारण थोड़ा कमर का भी उनको प्रश्न रहेगा। तो थोड़ा, हाँ, नॉलेज काफी अच्छा है, शनि मंगल शाम सामने है, तो
तो टेक्निकल और मैकेनिकल नॉलेज उनका अच्छा है, नॉलेज अच्छा है, लेकिन नेगेटिव सोच उनकी इतनी ज्यादा है कि जिसके कारण उनके खुद के पैरों पे वो कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ऐसा कुछ डिसीजन वो ले रहे हैं। और काफी अच्छा काम करने के बावजूद गुस्सा और जबान पे काबू ना होने के कारण कई बार वो खुद के ही काम में दिक्कत पैदा कर रही है, ऐसा दिख रहा है उनके लिए खास। उनको परदेश योग है या नहीं है वो भी उन्होंने पूछा हाँ, है। परदेश जा सकते हैं, लेकिन खुद थोड़ा ध्यान देवे मंत्र पे, गणपति मंत्र पे ध्यान देवे, बहुत जरूरी है गणपति मंत्र करने उनके लिए, जी बहुत शादी जरूरी है। कब होगी वो भी बताइए। जी, शादी का योग अभी बन रहा है, अभी शादी का योग बन रहा है, तो वो जनवरी फरवरी में शादी का प्रबल योग बन रहा है, वो आप कर सकते हैं 100%। लेकिन मंगल की अवस्था खराब होने के कारण जो बल मिलना चाहिए कुंडली को, वो बल नहीं मिल रहा है। आप गणपति उपासना करें जिससे काफी अच्छा बल मिलेगा। हो सके तो एक बढ़िया सा मूंगा आप पहनिए, मूंगा बहुत ही आपके लिए लाभदायी है, और साथ में चंद्र का मोती पहन रहे वो बहुत ही लाभदायी है उनके लिए। तो श्रावणी जी आपने सुन लिया होगा गुरु जी ने क्या कहा है, और जिस तरह से आपको बोला गया है उसी तरह से आप करेंगे तो शायद आपके जीवन में लाभ हो सकता है। तो गुरु जी आज हम इतने ही प्रश्न लेते हैं क्योंकि हमें दिवाली बहुत नजदीक आ रही है, तो लोगों के घर में लोग बहुत परेशान हैं, लोगों को फाइनेंशियली बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है अभी फिलहाल, तो धन प्राप्ति कैसे हो, कैसे उनके लाइफ में जीवन में कैसे पैसे आए ऐसा कुछ हम बताएं, तो ये अभी जो धन कुबेर पोटली के बारे में हम गुरु जी आपको बताएंगे कि ये क्या है और इसे कैसे धन प्राप्ति हो सकती है, तो गुरु जी बताइए आप। एक्चुअली धन कुबेर पोटली एक लक्ष्मी की कृपा, कुबेर की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए ही ये साल में 2-3 दिन ही ऐसे आते हैं, दिवाली के दिन, दिवाली के आसपास के, जिस दिन कुबेर का आह्वान कर उनकी स्थापना करके, महालक्ष्मी का आह्वान करके उनकी स्थापना करके एक पोटली तैयार किया जाता है। 11 ब्राह्मीण बैठ के और कमला लक्ष्मी का प्रयोग किया जाता है, जो 108 श्री सूक्त और दूसरे जो मंत्रोच्चार के साथ में ये किया जाता है, वो 3 दिन वो पूरी पूजा चलेगी, पूरी उसकी क्रिया है वो 3 दिन चलती है। धनतेरस के दिन और नरक चौदस बोलते हैं उसके दिन, और दिवाली के दिन, और दिवाली के दिन वो दी जाती है जो हमारे अंगत है, जो हमारे परिवार के सब सदस्य है उनके लिए ये तैयार करते हैं। कुछ लोगों ने बोला है तो उनके लिए भी ये अभी इस साल थोड़ा हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अगर किसी को बनानी है तो आप पहले से बता सकते हैं, लेकिन ये स्थापित करने की एक अलग विधि है, इसमें श्री यंत्र भी आएगा और धन कुबेर पोटली भी आएगी, वो आपके घर में स्थापित करनी है जिससे कुबेर भगवान के आपके ऊपर कृपा रहे और लक्ष्मी की प्राप्ति रहे, श्री यंत्र से सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। लेकिन उससे पहले एक सर्व संकट निवारण पोटली दी जाएगी, वो उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है पैसों की या किसी भी चीज की, वो एक्स्ट्रा दी जाती है जिससे आपको आपके घर के अंदर 7 बार घुमाना रहता है, पूरे घर की जो नेगेटिविटी है वो पोटली में आ जाती है, वो खींचने के बाद में वो पोटली को आपके घर के बाहर जाके उसको जलाना पड़ता है, वो जलाने के बाद में सारी नेगेटिविटी निकल जाती है, उसके बाद में आपको धन कुबेर पोटली और श्री यंत्रा की स्थापना हम बोले वो दिन वो समय पे वहां पे करनी रहती है जिससे आपके ऊपर कृपा बनी रहती है। इसीलिए एक साधना का दिन सिर्फ दिवाली के आसपास ही आता है, इसलिए उनको वहीं पे सिद्ध किया जाता है। लेकिन ये अगर परिवार में 6 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो परिवार में कौन इसको ले सकता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि 6 लोग ले, या तो परिवार का कोई मुखिया ले सकता है, तो वो कैसे ले सकते हैं। परिवार में मुखिया 2 हिसाब से गिना जाता है, जो वडिल है वो मुखिया भी गिनते हैं, जी और दूसरा मुखिया वो है जो कमाई करके पैसे घर में लाता है, जैसे माँ बाप है वृद्ध है लेकिन रिटायर्ड है, तो वो मुखिया तो गिने ही जाएंगे। लेकिन परिवार में लक्ष्मी उपार्जन जिसके द्वारा होती है उसको मुखिया गिनना चाहिए, और उसके नाम से ये पोटली सिद्ध होती है,
उनके नाम से, उनके ग्रह नक्षत्र के अनुसार और उनके गोत्र के अनुसार ही ये अभिमंत्रित होती है और उनके ऊपर क्रिया होती है, उसके बाद में ही दी जाती है, तो ही आपको फायदा करेगी। बाकी आप परिवार के मुखिया हमारे फादर है लेकिन वो रिटायर्ड है लेकिन उपार्जन नहीं करते, तो फिर वो पोटली का कोई कारण ही नहीं है ना। जो आपके घर में आर्थिक उपार्जन करता है, जो आर्थिक कमाई करता है, उसके नाम से ही पोटली सिद्ध किया जाता है और तब भी आपको रिजल्ट मिलेगा। उसके नाम से, उसके गोत्र के अनुसार, उनके ग्रह नक्षत्र के अनुसार ही उसके ऊपर पूरा प्रयोग किया जाता है, तब भी आपको वो फायदा किया रहेगी। जी, तो ये गुरुजी ने बताया धन कुबेर पोटली के बारे में, और ये साल में एक ही बार ऐसा दिन आता है कि उसी दिन ये सिद्ध की जाती है और आपके घर में वो रखेंगे तो आपको उससे फायदा हो सकता है, आपके घर में धन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन जिनको भी ये अगर चाहिए, अगर आप लेना चाहते हैं, तो जरूर जैसे हमने हमारा चैनल का व्हाट्सएप नंबर दिया है वहीं पे आप आपका नंबर, मोबाइल नंबर और आपका नाम दे दीजिएगा, तो गुरु जी ने बताया उसी तरह से वहां से कॉल करके आपके पास इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसमें जो सर्व संकट निवारण पोटली जो है ना, वो शुरुआत के 50 लोग को ही दी जाती है। जी जी, तो जिसका भी जल्दी होता है तो उसको दे देंगे, बाकी तो मतलब पहले जो 50 लोग होंगे उनको ही मतलब ये दी जाएगी, ऐसा सर्व संकट निवारण पोटली का बात कर रहा। अच्छा, मतलब इसके साथ में अगर आप दे रहे हो तो। हाँ, वो एक लिमिटेड एडिशन में हम बनाते हैं क्योंकि उसके लिए भी विधि बहुत करनी पड़ती है। जी, तो ये गुरुजी ने धन पोटली, कुबेर पोटली के बारे में बता दिया है, तो मैंने इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दी है, और नेक्स्ट सैटरडे हम वापस एस्ट्रोलॉजी सीरीज में वापस मिलेंगे, और जिनको भी अभी भी उनकी डिटेल्स भेजनी है तो वो भेज सकते हैं, हम नेक्स्ट सैटरडे को उनके प्रश्न के उत्तर यहाँ से गुरुजी के द्वारा दिए जाएंगे। और अभी काफ़ी सारे लोगों को फायदे भी हुए हैं, तो प्रश्न बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो जैसे जैसे ही हर एपिसोड में हम लेते जाएंगे प्रश्नों को, तो वापस ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी सीरीज में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, और सभी को फिर से हैप्पी नवरात्रि। जय गणेश, जय गणेश।